वेलकम टू SHRP मेडिकल सेंटर। आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे आगे हम अपनी वीडियोस में नोकनीज के बारे में, क्यूबिटस वल्गस के बारे में, अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले कैंप के बारे में पता चले और आपको सारे पॉइंटों के बारे में हम अच्छे से ज्यादा नॉलेज दे सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। आप सभी का स्वागत करता हूँ SHRP मेडिकल सेंटर आगरा पे। सबसे पहली चीज, आप लोग एयरफोर्स की भर्ती देख रहे हो, है ना? तो मैं आप सभी से सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पहले प्री मेडिकल क्यों नहीं कराया? पहले कभी एयरफोर्स का रिटर्न देने की जरूरत पड़ी थी? रिटर्न की तैयारी की ना, शॉर्टलिस्टेड होने से पहले रिटर्न की तैयारी की थी या बाद में? लाइक जैसे मान लेते कि क्या एयरफोर्स के एग्जाम की तैयारी आप लोगों ने एग्जाम की डेट या एग्जाम का जो आपका कॉल लेटर आता है उसे आने के बाद की थी या उससे पहले की थी? फिर क्यों की थी? वो भी तो कर सकते थे ना कि उस किसी भी चीज में लेवल होते हैं। हाँ। तो हम सबसे पहले लेवल की तैयारी करते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल की और फिर थर्ड लेवल। आपने कहीं पे कोचिंग की थी एयरफोर्स की? यस सर। फेस वन की। फेस वन की तैयारी की थी कहीं पे भी? तो हर बैच में मतलब एक मिनिमम में अप्रोक्स हम अगर मानकर चले 40-50 की स्ट्रेंथ रहती है क्या? 40 से जो 40 और 50 बच्चे जो रिटर्न की तैयारी कर रहे होते हैं क्या वो पास हो जाते हैं? नहीं सर, नहीं होते ना। फिर भी रिटर्न की तैयारी तो करते ही है ना। अभी सुधीर सर के पास कितने बच्चे हैं अप्रोक्स? है ना 100 मार्क्स, हम मान लेते 100 बच्चे हैं। क्या ये 100 के 100 बच्चे ज्वाइनिंग लेंगे? फिर भी फेज टू की तैयारी कर रहे हो ना, है ना? फिर अच्छा चलो लेट जैसे मान लेते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने गलत किया मेडिकल करा के, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। मेरा एक मोटिव ये है वीडियो बनाने का कि जो लोग भी वीडियो देखेंगे या जो जिन लोगों को भी ये समझ में आएगा, समझने वाली चीज है वरना नहीं। किसी ने अपना रिटर्न दिया, इंडिया में टॉप कर दिया एयरफोर्स के रिटर्न में, बहुत अच्छी चीज है। फेस टू दिया, साइको दिया, SRT दिया, सब कुछ दिया, उसमें 100% दे दिया, उसमें भी पास हो गया, लेकिन कान के पर्दे में छेद है। क्यूबिटस वल्गस है हाथों में एंगल। आप में से एक आध को क्यूबिटस वल्गस का बताया होगा या जो भी चीज है, क्यूबिटस वल्गस है। तो क्या 100% रिटर्न में, 100% GD में, SRT में, फिजिकल में, सब कुछ में, बट कान के पर्दे में छेद है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, या नहीं कभी कभी हमें पता होता है एनल टैग है, एक्सटर्नल हेमरॉइड की शिकायत है, तो क्या फायदा हुआ? नहीं ले पाएगा ना मेडिकल पहले चेक। अच्छा, फिजिकल रिटर्न की जब तैयारी की तो मिनिमम कितना खर्चा आ जाता है कोचिंग करने में? सर ऑनलाइन 44,000-45,000, ठीक है। GD, SRT और ये फेस टू की तैयारी करने में कितना, इसमें कितना खर्चा आ जाता? चलो मिनिमम मान लेते हैं 8,000, कोचिंग का मिनिमम मान लेते हैं 25,000, मेडिकल 500 रुपए। बट ये 500 रुपए के लिए हम क्या वेट करते हैं कि यार हमारा फेस टू क्लियर हो जाएगा या हमारा रिटर्न क्लियर हो जाएगा उसके बाद देखेंगे? ठीक है ना यार, तुमने रिटर्न तैयार कर लिया, अगर मेडिकली फिट नहीं हो तो फिर क्या कर लिया रिटर्न तैयार करके? जितना जरूरी आपका फिजिकल है, जितना जरूरी आपका फेस टू है, जितना जरूरी आर्मी का फिजिकल है, जितना जरूरी एयरफोर्स का रिटर्न है, उतना ही जरूरी भी तो मेडिकल भी तो है, है ना? और ऐसा क्यों, अगर मेडिकल इतना फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं होता तो पहले मेडिकल ले लो ना। वो फोर्स में ये भी तो, अभी देखो पहले आर्मी में क्या होता था, फिजिकल होता था आर्मी में, पहले फिजिकल होता था, फिर मेडिकल होता था, फिर रिटर्न होता था, यही होता ना। अब उन्होंने भी अपना प्रोसीजर चेंज किया, पहले रिटर्न करेंगे फिर फिजिकल करेंगे, लास्ट में मेडिकल। और मेडिकल तक कौन पहुंचता है? जो बच्चा क्रीम होता है, है ना, जो बच्चा मेहनत करता है वही तो पहुंचता है। अब रोड पे से चल के उठाकर किसी को बोल दो रिटर्न दे दो, क्या वो पास कर सकता है? जिसने कभी फिजिकल की तैयारी ना करी हो उसे फिजिकल पास कर सकता है?
तो मेडिकल तक कौन बच्चा पहुंचता है जो पूरी मेहनत कर चुका होता है, क्रीम बच्चा जो होता है, मतलब कई लाखों में से छाटा हुआ कुछ बच्चा वो होता है, और वो कहां निकाल दिया जाता है, है ना। फिजिकल में तो गधे घोड़े सब छटते हैं, रिटर्न में तो गधे घोड़े सब छटते हैं, पर मेडिकल में कौन छटता है, मेहनती आदमी। तो फिर मेडिकल को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती है? किसी को परमानेंट कलर ब्लाइंडनेस है ना, उसने आर्मी के रिटर्न की तैयारी करी, आर्मी फिजिकल पास कर लिया, एयरफोर्स की तैयारी करी, एयरफोर्स का फिजिकल पास कर लिया, सब कुछ कर लिया, कलर ब्लाइंड है, कहाँ कर रहे क्या। ऐसा भी तो हो सकता था कि सिर्फ 500 रुपए में मेडिकल कराता, उसे पता चलता मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो उस डायरेक्शन में जाता जिस डायरेक्शन में वो पास हो सकता था। 20-25 हजार रुपए अपने रिटर्न के खर्चे किए, जीडी की तैयारी की, इसकी तैयारी की, उसकी तैयारी की, लास्ट में क्या हुआ, हजारों रुपया फूंक दिया, और फिर लास्ट में उसे मेडिकल में पता चला कि यार मुझे तो कलर विजन था। मेहनत बेकार, टाइम बेकार, पैसा बेकार, सब कुछ ही तो बेकार, डीमोटिवेट हो गया बंदा। बट बच्चे ने पहले मेडिकल कराया, हमने उसे बताया बेटा तेरे पास कलर विजन है, तुम उस जगह पे जाओ जहाँ कलर विजन एक्सेप्टेबल होगा। रेलवे की कुछ जॉब है, ग्रुप डी में कुछ जॉब है, ऐसी जगह जाओ जहाँ आपका तैयारी की जा सकती है। या इस कलर विजन को ठीक कैसे किया जा सकता है, बेटा देखो ये कलर विजन ठीक करना है, ऐसे कलर विजन ठीक करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर सोचो तो बहुत डीप चीज है, सोचो तो क्या फालतू की चीज है, बट सोचने वाली बात है। हमने 60,000 रुपया खर्च किया, बट हमने 500 रुपये खर्च नहीं किया, तो हमारा 60,000 रुपये वेस्ट हो गया 500 रुपये के चक्कर में। 60,000 500 रुपये खर्च कर लेते तो शायद कुछ हो जाता, और ये 500 रुपये तो आपने मेडिकल आपने रिटर्न की तैयारी करते वक्त या जीडी की तैयारी करते वक्त इधर उधर घूमने में, कोल्ड ड्रिंक्स में, आइसक्रीम में, इधर से उधर से खर्च ही कर दिया होगा, हो ही जाता है इतना, तो नॉर्मल सी चीज़ है, किराए में खर्च हो गया इसमें, तो क्यों ना हम वो पहले ही करा लें वो चीज़, जिससे हमें पता हो कि हमें ये चीज़ करा लेनी चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ नहीं है ना, बहुत डीप चीज़ है ये। तो वही चीज़, तो अभी क्या है, एयरफोर्स के बच्चे अभी नहीं आएंगे। लास्ट टाइम एयरफोर्स का मेडिकल कब हुआ था? फेज टू के 2-3 दिन बाद, और फेज टू के टाइम पे उनके एडमिट कार्ड में क्लियर लिखकर आया था कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर फॉर देयर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड जस्ट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ फेज टू। ये क्लियर लिखकर आता है, उससे पहले वाले बैच में भी यही हुआ था, हुआ था ना। फेज टू के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, है ना, नहीं कम अप्रोक्स 20-25 डेज हमारे पास अभी हैं। 10 जुलाई तक तो कोई उम्मीद नहीं है आने की, ठीक है, 10 जुलाई तक कोई उम्मीद नहीं है। 10 जुलाई के बाद आपके एडमिट कार्ड्स आने स्टार्ट होंगे, उसके 10 दिन बाद या 15 दिन बाद स्टार्ट होगा, तो अप्रोक्स हमारे पास 25 डेज अभी हैं, है ना। चलिए ठीक है, सारी चीजें तो मेरी बात समझ में आया। मैंने ये चीज आपको इसलिए समझे क्योंकि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके कनेक्शन में सारे एयरफोर्स वाले बच्चे होंगे, है ना। तो जरूरी नहीं यहाँ पे मेडिकल करवाओ, मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले अपने आप को पहचानो कि क्या हम इस लायक हैं, तब तो हम जाएं, है ना। चलिए दूसरी चीज, SSRPRI मेडिकल सेंटर पर मेडिकल करवाने के बाद कैसा लगा? नॉलेज मिली, सेटिस्फाइड हैं आप अपने मेडिकल से? ठीक है, तो आप सभी लोग अपने अपना चैनल सब्सक्राइब करके रखना, कैंप लगता है, कैंप में आना, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।